तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ कमेंट वाली वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोगों के डीएम चेक कर रही थी एंड कुछ स्टोरीज एंड कमेंट जो आप लोगों ने किए थे वो मैं वेरीफाई कर रही थी। उन चीज़ों को रिसर्च करने में मुझे टाइम लग गया एंड अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एंड अब एडिट करूंगी तो 10 बज जाएंगे वीडियो को डालते डालते। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था कि मोहक कहीं जा रहे हैं, तो हाँ गाइस, आप लोगों ने स्टोरीज देख ली होंगी, मोहक मुंबई चले गए हैं एंड आप लोगों ने सुरभि का, पीहू का एंड सलोनी का वो लाइव देखा होगा जो कि मेरे चैनल पर भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि सुरभि ने कहा था कि 3 तारीख को वो भी मुंबई जाने वाली है। वैसे तो उनका कंफर्म नहीं है, पर आगे देखना ये होगा कि उनके व्रत भी चल रहे हैं, वो मुंबई जाती है या नहीं, क्योंकि सलोनी कजाकिस्तान से अपना शूट कम्प्लीट करके 2 तारीख को वापस से मुंबई आएंगी, इसीलिए पीहू एंड सुरभि ने कहा था कि हम 3 तारीख को मुंबई चले जाएंगे। तो आइए गाइस, अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट। प्रिया ने कमेंट किया है, आज सोहक मेजिकल ने एक एडिट डाली थी सोहक की, तो उस पर सुरभि ने कमेंट की थी, प्लीज डोंट डू दिस, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। एंड उसके 1 मिनट बाद उस फैन पेज वालों ने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। अब आप ही बताओ हम क्या उम्मीद रखें इससे। तो गाइज, वैसे तो उस कमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे किसी के पास से भी नहीं मिला, पर जब मैं सोहक मेजिकल के फैन पेज पर गई तो मुझे वहां पर ये स्टोरी दिखी, आप लोग भी देख सकते हैं। किसी ने मुझे ये स्टोरी डीएम भी की थी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये पोस्ट है, आप लोग पोस्ट करके रीड कर सकते हैं, बट आपको मैं सिंपल शॉर्ट में समझा देती हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि बस मुझे तब से रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, ये टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझसे ज़्यादा उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। कभी कभी हम चीज़ों को ओवर फील कर जाते हैं, ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को लेकर, पर हम उनको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी फैमिली की तरह थे एंड हमेशा इन हमारे दिल में हमेशा उनके लिए एक स्पेशल जगह रहेगी। ये फैन पेज मैंने लव को स्प्रेड करने के लिए स्टार्ट किया था, जो कि एक गोल्डन एरा बना था, पर अब टाइम के साथ बहुत सी चीजें बदल गई है एंड ये बिल्कुल सही बात है, नथिंग इज परमानेंट। एंड ये लाइन आज सुरभि ने भी लिखी थी अपनी पोस्ट में। एंड फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है कि ये सब ये नहीं लिखना चाहती थी, पर इन्होंने लिखा है कि शायद दुख बांटने से कम होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। एंड फिर इन्होंने लास्ट में सॉरी लिखा है, सॉरी इफ आई हर्ट अनइंटेंशली, मतलब कि इन्होंने उस चीज से अगर मोहक या सुरभि को या किसी और को भी अनइंटेंशली दुख पहुंचाया है तो उसके लिए इन्होंने सॉरी बोला है। तो सिंपल शॉर्ट में आपको मैंने ये समझा दिया है कि ये चीज क्या है एंड आप लोग इसे समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एंड गाइस, यहाँ पर 2 थ्योरी निकल कर आती है मेरे हिसाब से, सिर्फ मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ, ये बिल्कुल गलत भी हो सकती है या फिर थोड़ी सही भी हो सकती है। गाइस, अगर सोहक के फैन पे जिसने सुरभि एंड मोहक का एडिट बनाया है एंड अगर सुरभि ने उस पर कमेंट किया है कि ये मत करो, तो फिर सुरभि ने अपने ही इंस्टाग्राम के अकाउंट से मोहक वाले वीडियोस क्यों नहीं हटाए हैं? क्यों सुरभि रोज मोहक के मम्मी पापा के वीडियोस को लाइक करती हैं? क्यों उन्होंने यूट्यूब पर भी मोहक के साथ वाली चीजों को रखा हुआ है? अगर एक फैन पेज के एडिट से अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर खुद के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस जो हैं, शॉर्ट्स जो हैं, या फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो रील्स डाली हुई है वो सब क्यों नहीं हटाई, अभी तक मोहक को अनफॉलो क्यों नहीं किया? एंड सेकेंड थ्योरी गाइस ये निकल कर आती है कि ये सब कुछ प्रैंक भी हो सकता है, सुरभि एंड मोहक ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ है, बट वो बीच में मना भी करते जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक किसी फैन पेज को इस बारे में पता ना हो, या फिर पता हो भी सकता है और ये सब भी इसी प्रैंक में हो सकते हैं साथ में। क्योंकि गाइस, अगर फर्स्ट थ्योरी हमारी सही होती है कि सुरभि को उस चीज से हर्ट हुआ है, तो फिर खुद के इंस्टाग्राम पर रोज मोहक की वीडियो देखकर भी उनको हर्ट होता होगा। एंड यहाँ पर हो सकता है कि ये जानबूझकर ऐसी रील्स एंड पोस्ट शेयर कर रहे हो ताकि हमें ऐसा फील हो कि ब्रेकअप हो गया है। गाइस, कुछ भी हो सकता है एंड ये मेरी दोनों थ्योरीज भी गलत हो सकती है। आदि अब आप लोगों को जिस पर विश्वास करना हो करें, ना करना हो ना करें, क्योंकि ये भी मेरी बनाई हुई है, आप लोगों को लग एंड आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिंटू पटवारी ने कमेंट कर दी, मोहक कहीं जा रहे हैं क्या? तो हाँ जिंटू पटवारी जी, मोहक मुंबई चले गए हैं। रेशमा खातून ने कमेंट किया है, दी आप मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं करती है? तो आपका कमेंट मैंने शामिल कर लिया है। एंड गाइस, अगर आप लोग अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले कमेंट करेंगे तो उनको शामिल करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कमेंट आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इन्फॉर्मेशन वाले कमेंट्स को हम यहाँ पर ले ताकि उन पर डिस्कस कर सकें। आसिफ खान ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक। विष्णु प्रिया ने कमेंट किया, हेलो दी, लव फ्रॉम ओडिशा। तो थैंक यू सो मच विष्णु प्रिया एंड लव बैक फ्रॉम माय साइड। किरण केशवाला ने कमेंट किया, प्लीज सोहक कम बैक। मैंने ने कमेंट किया, थैंक यू फॉर डेली अपडेट। मैंने अगला कमेंट किया, दी आप कमेंट वाली वीडियो 5 या 6 बजे के बीच में अपलोड कीजिए। तो हाँ मेहर, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही कमेंट वाली वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि रात में मुझे भी लेट हो जाता है एंड फिर सोने में भी लेट हो जाता है। रोहित लोधी ने कमेंट किया है, मोहक इज बैक, सुरभि दी इज बैक, थैंक फॉर अपडेट, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, ओके दीदी, थैंक यू दीदी मेरा कमेंट शामिल करने के लिए, दीदी पता नहीं वो कब मिलेंगे। तो ये बात तो आप मोहक से भी खुद ही जानते हैं कि वो कब मिलेंगे। याशु ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच दी, वेलकम याशु। नूर ने कमेंट किया, थैंक दी, बट हमारी सोहक आएगा या नहीं? तो नूर, मैं आपको बता दूं कि ये चीज सिर्फ मोहक एंड सुरभि ही जानते हैं कि सोहक वापस आएगा या नहीं। आतिश नरवाड़े ने कमेंट किया, मुझे पता था दी आपने वो वीडियो गुस्से में बनाई,
हे कभी मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले कमेंट करती हूँ एंड फिर बाद में डिलीट कर देती हूँ। तो हाँ गाइस, गुस्से में तो वो वीडियो बनाई थी पर उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, मुझे वाकई में बुरा लगा था उस चीज़ के लिए। एंड आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे एंड उस वीडियो के नीचे भी इतने सारे कमेंट थे, तो वो पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एंड वैसे मैंने किसी को हर्ट करने के लिए वो वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वो बात मुझ पर आई थी। अगर मेरी वीडियो पर गर्लफ्रेंड लिखने के लिए मुझे कमेंट आ सकता है कि व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी, तो मैं भी तो कमेंट्स कर सकती हूँ ना कि व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी, क्योंकि मोहक ने भी गर्लफ्रेंड ही लिखा था एंड मैंने भी गर्लफ्रेंड ही लिखा था। एंड रही बात वो वीडियो डिलीट करने की, तो गाइज मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं की है। 100 के फैन पेजेस के मैसेज आने के बाद वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी, बट मेरे प्राइवेट करने से पहले ही उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया था उस वीडियो पर, तो वो वीडियो अभी डिसेबल हो गई है। तो फिर वो वीडियो मैंने रिव्यू के लिए यूट्यूब के पास भेज दी है, अगर उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं निकला तो एक दो दिन में वो वीडियो वापस आ जाएगी। रेशमा खातून ने कमेंट किया प्लीज कम बैक सोहक। सतीश कुमार ने कमेंट किया दीदी क्या मोहक और सुरभि ने एक दूसरे को मेन अकाउंट से फॉलो कर रखा है, प्लीज बताओ। तो मेन अकाउंट से तो एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है बट बैकअप अकाउंट से उन्होंने एक दूसरे का अनफॉलो कर दिया है। एंड गाइज ये काफी पुरानी न्यूज है, 8-10 दिन पहले जब सुरभि नोएडा गई थी तब ही उन्होंने अनफॉलो कर दिया था एंड मोहक ने भी तभी अनफॉलो कर दिया था। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, आज उन्होंने अनफॉलो नहीं किया एक दूसरे को, ये काफी पुरानी न्यूज हो चुकी है। साले ने कमेंट किया है आई एम सुमेरा दी, कब गुड न्यूज दोगे? तो गुड न्यूज तो तभी आएगी जब सोहक चाहेंगे, अगर उनको हमें गुड न्यूज देनी होगी तो वो जल्दी से मिल जाएंगे। साले ने अगला कमेंट किया दी ये सब क्या हो रहा है, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया आई एम ऑलवेज विथ यू दीदी, थैंक यू सो मच चंद्रिका। एंड गाइज वीडियोज मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा एंड मैं देखती भी हूँ काफी सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। गाइज थैंक यू सो मच उन सभी को मुझे सपोर्ट करने के लिए। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया सुरभि ने इमोशनल वीडियो बनाई है तो मोहक ने भी बनाई है इमोशनल वीडियो, जब वो नीतेश के बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे तो दोनों ही दुखी थे। तो हाँ गाइस सैडनेस तो इन दोनों के फेस पर ही हमें दिखती है, दोनों ही दुखी तो हैं। पागल गेमिंग ने कमेंट किया दी सुरभि ने अपना सेकंड अकाउंट से मोहक को अनफॉलो कर दिया है और मोहक ने भी। तो गाइस ये 10 दिन पुरानी न्यूज़ है, ये आज की बात नहीं है, मैंने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। शुभी गोला ने कमेंट किया है आई हैव केप्ट ऑल द नवरात्रि फास्ट फॉर सोहक बिकॉज आई वॉन्ट टू सी सोहक बैक, मिसिंग यू सो मच, आई विश माता रानी डू ऑल द थिंग नाइस। तो सो स्वीट ऑफ यू शुभी के आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं सोहक के लिए। विभा सिंह ने कमेंट किया है और मैं भूल गई थी बट एक चीज और बोलना है, मोहक भी मुंबई गए हैं और सुरभि भी, और सुरभि उस दिन के लाइव में बोली थी कि वो भी 2-3 अक्टूबर को जा रही है पीहू के साथ। तो हाँ गाइस वो लाइव आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, आप लोग उस लाइव में जाकर साफ साफ देख सकते हैं कि पीहू ने सुरभि से बोला था कि 3 अक्टूबर को हम भी मुंबई चलेंगे, तो सुरभि ने बोला था कि प्लान अभी सडन ही बना है एंड जरूरी नहीं कि वो मुंबई जाए, एंड हो भी सकता है कि मोहक के आने के बाद वो दोनों चली जाए। मैंने कमेंट कर दिया आप कैसे हो, तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताना आप कैसी हैं। मैंने अगला कमेंट किया दी सोहक जरूर आएगा। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया सोहक जल्दी आएगा। निशा प्रजापति ने कमेंट किया दी आपको लगता है कि सोहक वापस आएगा, मेरी तो होप टूटती जा रही है। तो गाइज होप तो हम सभी की टूट रही है क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज एंड पोस्ट आ रही है, स्क्रीनशॉट कमेंट्स आप लोगों ने आज देखा ही होगा एंड वो सोहक मेजिकल की पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी। गाइज कुछ भी हो सकता है, आगे देखना होगा, टाइम के साथ ही हमें चीजें क्लियर होगी एंड पता चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। लकीदास अधिकारी ने कमेंट किया क्यूट कपल थी नहीं अभी भी है और हमेशा रहेगा, लव यू सोहक मिस यू। तो बिल्कुल सही कहा आपने, सोहक क्यूट कपल था है और रहेगा। पॉम्पी बरमुडा ने कमेंट किया है मिस यू सोहक। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, गॉड से प्रे करूं सोहक जल्दी मिल जाए, अगर सोहक ना रहा तो हम सबको प्यार से भरोसा उठ जाएगा। दीपिका कुमारी ने कमेंट किया दी आप कहाँ रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो सुरभि या मोहक के पास जाके पूछना क्या हुआ। तो गाइज अगर ऐसा होता तो मैं ही सबसे पहले इनके पास जाती, अगर मैं दिल्ली में रहती तो मैं तो उनके घर जाकर धमक जाती, पर मैं उनसे काफी दूर रहती हूँ एंड ये इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं अगर वो दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज गाइज आप लोग कुछ कोशिश कीजिए, कुछ हिंट निकाल कर मुझे भेजिए। श्रुति ने कमेंट किया दी सोहक जरूर आएगा, माता रानी इनको जरूर मिला देंगी। श्रुति ने अगला कमेंट किया है वी वॉन्ट सोहक बैक। ऋषु ने कमेंट किया मिस यू सोहक। सोनिशा ने कमेंट किया है और मुझे कुछ मतलब नहीं है दोनों से बिकॉज मैंने इन दोनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं टूट गई हूँ, सॉरी दी अगर अच्छा नहीं लगा हो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है सोनिशा, हम सभी ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है बट अब इन दोनों की वजह से हम सभी बहुत दुखी हैं। आशा देने कमेंट किया थैंक यू दी, हैप्पी नवरात्रि दी, मेरी क्यूट क्यूटेस दी, लव यू सोहक। तो आपको भी हैप्पी नवरात्रि आशा। ब्लेसी ठाकुर ने कमेंट किया है दी मैंने आज स्नैपचैट में एक स्पॉटलाइट देखी जो शुरू की है लेकिन वो सिर्फ स्पॉटलाइट में दिख रही है,
उनके अकाउंट पर जाकर देखी तो नहीं दिख रही है। वो स्पॉटलेस साउंड है, कह दिया यू आर माई सोनिया। उसमें शुरू ने लिखा है जितना भी मेरे रोमांटिक गोल्स हैं मेरा बंदा लकीस्ट बॉय होगा। विजय शॉर्ट्स वीडियो 07 ने लिखा है मोहित भैया और सुरभि दीदी कब मिलेंगे, तो मोहित भैया और सुरभि दीदी पता नहीं कब मिलेंगे। जूनी ने कमेंट किया है मिसेस सोहक। नूर ने कमेंट किया है मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, सोहक की बात सोचते सोचते पता नहीं वो कब आएंगे या नहीं, अगर नहीं आए तो हम मर जाएंगे, प्लीज गॉड दोनों को मिला दो। तो गाइज ये थे कल की वीडियो के कुछ कमेंट, बहुत सारे कमेंट में शामिल नहीं कर पाई हूँ मुझे पता है, क्योंकि 3 वीडियो थे एंड काफी सारे उनमें कमेंट थे, बट यहाँ पर देर भी हो रही थी तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले कमेंट कलेक्ट करके उनको बताने की कोशिश की है एंड उस पर डिस्कस किया है एंड आप लोगों ने वो स्टोरी को भी देख लिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये रियल है, प्रैंक है या फिर और कुछ है। गाइज क्या हमें ऐसा शो करने की कोशिश की जा रही है या रियल में ये दोनों सेड है। वैसे सेडनेस तो इन दोनों के फेस पर दिखती है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब चीजें और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है इन सभी चीजों में कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि आखिर चीजें क्या हो रही है। एक तरफ सुरभि को सोह के एडिट से प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ उन्होंने खुद ने वीडियोस को रखा हुआ है, पता नहीं गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुरभि ने हैशटैग सोह को अनफॉलो कर दिया है जबकि मोहक ने फॉलो किया हुआ है। सुरभि उनको मनाने की भी कोशिश करती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितनी सैड एंड इमोशनल रील्स बनाती है। अगर सुरभि मूव ऑन करना चाहती तो फिर वो ऐसी वीडियोस क्यों बनाती गाइस, आप लोग सोचिए एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस हाँ आपसे मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट वाली वीडियो शाम को जल्दी 5 से 6 बजे के बीच में लेकर आऊं। एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे सोह की नई अपडेट के साथ। बाय।